पुनर्जन्म और कर्म फल भोग यह जीव स्वता है अनादि है तत्वों से सर्वथा पृथक स्वयं सत्ता नित्य पदार्थ है और अनादिकाल से यह जीव कर्म वासना के कारण जन्म मरण के प्रवाह में बहता आ रहा है आज जीव शरीर में है तो यह मानना पड़ेगा कि इसके पहले भी जीव शरीर में रहा होगा शरीर में यदि पहले जीव नहीं था आज शरीर में कैसे आ गया किस कारण से बिना शरीर के संस्कार के पुनः शरीर में तो आ सकता नहीं है ये जीव मनुष्य शरीर में रह कर के जो करता है और जो उसे सुख दुख की प्राप्ति हो रही है वह वा केवल आज के कर्मों का ही परिणाम नहीं है किंतु पूर्व जन्म के कर्मों का भी परिणाम है मनुष्यों में या प्राणियों में इतनी विभिन्नताएं दिखती हैं उन विभिन्नताओं का कारण क्या है कोई सर्वांग संपन्न है तो कोई सर्वांग विपन्न है कोई बुद्धिमान है कोई बुद्धिहीन है कोई एकदम बलवान तो कोई एकदम निर्बल इनका कारण क्या है अचानक हो गया तो अचानक तो कहते बनता नहीं है कोई ना कोई तो कारण होगा आज किसी कार्य में सफलता मिलती है किसी कार्य में विफलता मिलती है कोई आदमी ऐसा है कि थोड़ा ही परिश्रम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है कोई आदमी बहुत परिश्रम करता है तो उसे थोड़ा भी फल नहीं मिलता यह बहुत थोड़ा फल मिलता है कारण क्या है निश्चित ही इसमें वर्तमान की समझ काम करने की ढंग या अन्य और कारण है लेकिन इसके साथ साथ प्रारब्ध भी कारण है प्रारब्ध है अदृश्य वर्तमान के पुरुषार्थ वह दृश्य है इसलिए प्रार जो अदृश्य प्रारब्ध है उस पर निर्भर न रहकर वर्तमान में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भी जो तमाम उजनिच स्थितियाँ हैं मनुष्यों में या अन्य प्राणियों में वो केवल आज के वर्तमान के जो जो पुरुषार्थ है या वर्तमान के जो कर्म है उसका ही परिणाम नहीं है किंतु उसमें प्रारब्ध का भी बहुत बड़ा योगदान है जीवों की जो विभिन्न योग्यताएं हैं शरीर धारण करने के इसका समाधान क्या है अचानक हो जाता है तो अचानक होते कहते बनेगा नहीं ये सब प्रकृति का काम है तो ऐसा नहीं कहते बन सकता ईश्वर ने ऐसा कर दिया तो ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया किस कारण से किया एक को सर्वांग संपन्न बना दिया एक को सभी अंग टेढ़े मेढ़े बना दिया एक को बुद्धिहीन बना दिया एक को बल बुद्धिमान बना दिया एक को जन्म से रोगी बना दिया एक को जीवन भर स्वस्थ तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया क्या कोई तानाशाह है ईश्वर उसकी मर्जी तो जी तो निरपराध निर्दोष अब उसको जीवन भर के लिए रोगी बना दिया है गरीब दाने दाने के लिए बेचारा भटक रहा है तो ईश्वर की दयालुता तो यहां दिखाई नहीं पड़ती है और ऐसा है वो ईश्वर जब अपनी मर्जी से जिसको जैसा कर दे तब तो फिर जीवों को किसी प्रकार के कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है कितना भी हम त्याग करें तप करें पुरुषार्थ करें ज्ञान बराग की रहनी में चले जब ईश्वर की मर्जी से होता है तो कोई मतलब ही नहीं होता है तो न तो जड़ प्रकृति में समाधान की प्रकृति से ऐसा हो गया और न कोई ऐसा तानाशाह ईश्वर है यदि उसका समाधान है समाधान यही है कि हर जीव को अपने ही कर्मों का फल भोग भोगना पड़ता है अच्छे बुरे जैसा कर लिया उसका फल आज भी आज वर्तमान जीवन में और अगले जीवन में दोनों में भोगना पड़ता है केवल माता पिता के बिजी असर से मनुष्यों में इतना अंतर हो जाता है ऐसा नहीं कहा जा सकता और प्रसिद्धि से ऐसा हो गया ऐसा भी कहते नहीं बनता है एक ही माता पिता के भिन्न गुण योग्यता संस्कार के लोग होते हैं एक ही माता पिता है। एक लड़का बड़ा सज्जन एक बड़ा दुर्जन केवल माता पिता का प्रभाव पड़ता तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए था एक जैसे गुणधर्म होना चाहिए ऐसा नहीं है एक बहुत बुद्धिहीन है एकदम बुद्धिहीन है निर्बुद्ध और एक बहुत बड़ा बल एक बहुत बुद्धिमान है कारण क्या है एक को कुछ भी पढ़ाओ पढ़ ही नहीं सकता एक को थोड़ा पढ़ा बहुत पढ़ लिया यदि माता पिता के प्रभाव है तो दोनों में एक होना चाह। ये जो जुड़वा हुए एक साथ उसमें भी तो ए, अंतर होता है तो केवल माता पिता के जो बिजी असर है उसके गुणकर्म का प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं प्रभाव पड़ता है लेकिन कुछ अंश में हर जीव के अपने अपने कर्म संस्कार भी हैं और उन्हीं कर्म संस्कार के कारण संतर अंतर होता है आम का कोई पेड़ है खट्टा आम के पेड़ है उसमें जितने फल आएंगे सब खट्टे होंगे मीठा आम का फल है उसमें जितने फल आएंगे सब मीठे होंगे ऐसे माता पिता ऐसे तो नहीं होता सज्जन माता पिता के एकदम दुर्जन बच्चे हो जाते हैं दुर्जन माता पिता के एकदम सज्जन बच्चे हो गए क्यों हो गए तो केवल माता पिता ही कारण नहीं है जीव के अपने कर्म संस्कार भी यहां कारण है माता पिता के गुणधर्म का प्रभाव पड़ता है परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है वातावरण का प्रभाव पड़ता है इनको इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन इतने से ही समाधान नहीं होता है कितने ऐसी क्रियाएं हैं जिनका वर्तमान में जो क्रियाएं जिनका वर्तमान में भी कोई अनुभव ही नहीं है लेकिन वो क्रियाएं होती है कि देख सुनकर के होता है ऐसा भी नहीं है हर जीव के पास दो शरीर पर चर्चा आई थी कल एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है।, यह है मैंने कल कहा था कि अन्य लोग पांच शरीर मानते हैं पांच देह उसी को पांच देह भी कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य ये पांच देह पार्थिधान कहते हैं कहता है कि स्थूल और सूक्ष्म जो जिसे कारण महाकारण कहते हैं वो भी सूक्ष्म के अंदर ही ही है और कैवल्य में कोई देह ही नहीं है कैवल्य हो गया मुक्त हो गया तो वहाँ कोई कह कोई देह है जीवत अपने आप है तो सभी जो के कर्मी जीव हैं उनके पास दो शरीर एक स्थूल और एक सूक्ष्म स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष है जड़ तत्वों से निर्मित दिखाई पड़ता है शरीर जिसको हम कहते हैं मनोमय रूप में वो अदृश्य ईश्वर शरीर बार बार मरता है ई छुड़ता रहता है लेकिन सूक्ष्म शरीर जीव के साथ सदैव बना रहता वही जीव को पुनः नए शरीर में ले जाने में कारण बनता उसके का आधार पर ही जीव जाता है जैसे हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो वर्तमान शरीर है स्थूल देह इस सारी की स्थूल देह की सारी अर्थ अर्थसुप्ति में बंद रहता तो उस समय काम नहीं होती है लेकिन उस समय भी हम सपना देखते हैं कैसे देख रहे हैं आंख से तो आंख तो तो नहीं देख रहे हैं कान से तो कोई आवाज महा नहीं सुन रहे हैं इंद्रियां तो सब शांत पड़ी है लेकिन फिर भी हम सपना देखते हैं ऐसे ही शरीर के छूट जाने पर सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार है उसके अनुसार जी को पुनर्जन्म होता है जैसे हम जब सोने जाते हैं तो हमें ये कुछ भी पता नहीं रहता कि आज हम कौन सा सपना देखेंगे कौन बता सकता है कि आज मैं ऐसा ऐसा सपना देखूंगा लेकिन सपना हम वही देखते हैं जो कभी के देखे सुने भोगे हुए की संस्कार है जो मनोमय में अंग संस्कार अंकित हैं, उसके अनुसार से सपना आता है जिसका कभी अनुभव नहीं है उसका सपना नहीं आता जैसे कहा जाता है जो जन्मांध होते हैं जन्म से ही नेत्रहीन उनको रूप का सपना नहीं होता है आवाज सुनते हैं कुछ चिखते हैं कोई खाते हैं कोई छूते हैं उनका सपना तो होता है लेकिन रूप का सपना नहीं होता तो यहां तो इतना ही बात है कि हमें ये पता नहीं है कि आज रात में सोने में जाऊंगा तो कौन सा सपना देखूंगा लेकिन सपना हम वही देखते हैं जो हमारे अंदर संस्कार निहित है इसी प्रकार से हम यह नहीं बता सकते हैं कि इस जीव के इस शरीर के छूटने के पश्चात हम कौन सा शरीर धारण करेंगे लेकिन शरीर वही धारण होगा जो आज वर्तमान में कर्म संस्कार हैं जैसे हमारे पास कर्म बीज हैं वैसे ही कोई यह भी नहीं बता सकता है कि पहले मैं किस शरीर में था और इसके बाद कौन शरीर में जाऊंगा लेकिन पहले शरीर में थे तो कर्म संस्कार के कारण ही थे आज हैं कर्म संस्कारों के कारण ही आगे भी शरीर धारण होगा कर्म संस्कारों के कारण ही होगा सूरत गुजरात के बाबू भाई से बहुत लोग परिचित होंगे वो कहते हैं कि मैं मुझे पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है लेकिन वो भी, भी वो लेकिन ये भी कहते हैं वो कि अब तो बंद कर दिए हैं पहले वो सम्मोहन क्रिया करवाते थे हिप्नोटेजम का ओके okay, वो हमारी बात को तो समझता हो हमारी भाषा को तो यदि वो साठ सत्तर साल का भी आदमी हो हम तो उसको सम्मोहित करके ऐसा करते जाते हैं कहते हैं आप इसे आप हैं पचास साल की उम्र में हो जाते तो बिल्कुल पचास साल की उम्र में जैसे जैसे क्रिया करता रहा वो वह तो वैसे क्रिया करता था कहते जैसे बीस साल की उम्र में चले जाओ वैसे सम्मोहित करते कहते बीस साल की उम्र में वो है साठ सत्तर साल का आदमी लेकिन बीस साल की उम्र में जैसे वो बोलता था जैसे चलता था जैसे कहता वैसे ही करता था फिर हम सम्मोित करते थे कि अब दो साल के बच्चे से बन जा बस दो साल के बच्चे में जैसे चलता था छह महीने के बच्चे छह महीने की उम्र में जैसे घुटनगर में वैसे वो चलता था वो अब फिर हम कहते थे ये जन्म छोड़ दो अगले जन्म में जाओ तो अगले जन्म में भी हम ले जाते थे बताए चार पांच आदमी उसमें बताया कि मालिक जन्म में कुत्ता था कुत्ता से भुकने लगा वो एक आदमी था वो आदमी से बात करने लगा लेकिन कहते मैं तब भी कहते मुझे विश्वास नहीं है वो कहते थे कि मैंने ऐसा करके देखा है प्रत्यक्ष तो ये तो एक बात आई तो जी शरीर वैसे धारण करता है जैसे उसके कर्म होते हैं गोस्वामी जी ने विनय ने पत्रिका में एक छंद कहा है असन बसन पशु वस्त विविध विधि सब मणिमह रह जैसे सरग नरक चर अचर लोक सब बसत मन बसत मध्य मन तैसे बिटप मध्य पुत्री का सुतमह कंचुकी बिन ही बनाए मनमह लीन तथा नानातन प्रकट अवसर पाए जैसे एक मनी में भोजन कपड़ा पशु मठ मकान सब छिपे हैं अर्थात एक मनी को भुना लो भोजन सामग्री खरीद लो कपड़ा खरीद लो मकान बनवा लो अन्य तमाम चीजें खरीद लो। तो एक मनी में जैसे ये सब छिपे हुए हैं और ऐसे ही सरग नरक चर अचर लोक मन में छिपे हैं अर्थात एक मन के वासना के कारण एक मन के वासना जी ऊंची नीची तमाम खानियों में जाता रहता है जैसे सूत में कपड़ा निहित है छिपा है लकड़ी में मूर्ति छिपी है, है सूत को ताना बाना के रूप में व्यवस्थित कर दो कपड़ा बन जाएगा दिखाई नहीं पड़ता है सूत का लच गोला का गोला ले लिया वहां कपड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा कोई कहे देखो ये कपड़ा है कोई बात बात नहीं कर लेकिन उसी को ताना बाना के रूप में बुन दो कपड़ा बन जाएगा वो सूत कपड़ा उस सूत से हम शरीर को ढक को नहीं सकते उसी से बन गया कपड़ा ताना बाना के रूप में जब पर, करने से तो वो कपड़ा ढक शरीर ढकने का अन्य काम आ जाता है जैसे एक लकड़ी में मूर्ति छिपी हुई है हम कह देखो तो ये मूर्ति है ये भगवान है ले जाओ तो यारे ये लकड़ी इसको तो कोई ले जाएगा उसी को घर छील दो मूर्ति प्रकट हो गई ठीक ऐसे ही हमारे मन की स्थिति है इस मन में नाना खानियों के शरीर अनादि संस्कारवत छिपे हुए हैं अवसर पाकर समय पाकर योग्यता भूमिका पा करके वे उदित होते रहते हैं सदूर कबीर तो कहते हैं कि ये जीव कर्म संस्कारों के वश भ्रम के हिंडोला में झूल रहा है अभी हिंडोला जी को कभी ऊंची गति में ले जाता है तो कभी नीचे योनी गति में ले जाता है सदैव ये हिंडोला झूलता रहता कब ऊंचे कब भूक नीचे स्वर्ग भूत ले जाए अति भ्रमित भरम हिंडोलवा ने को नहीं ठहरा और भी कहा, का, ने कहा है कि सूर्य नर मुनि देवता सात द्वीप नौखंड कहीं के कभी सब भोगिया देह धरे कु सबको भोगना पड़ रहा है ये एक्शन टू रिएक्शन तो क्रिया प्रतिक्रिया तो होती ही है तो जो हम कर लिए हैं वो फल भोग किसी न किसी रूप में हमें भोगना ही पड़ता है तत्काल नहीं तो बाद में भोगना पड़ता है कर्म संस्कार बहुत गहराई में जा कर के अंदर मन में धते रहते हैं जैसे प्रकृति को हम देखें मान लो जीव नहीं है केवल प्रकृति है तो जितने भी शरीर बने किससे बने प्रकृति से बने शरीर तो आज वर्तमान में है ना प्रत्यक्ष इनकार तो नहीं कि कर सकता कोई कि नहीं। आज शरीर वर्तमान में नहीं है कहाँ से बने किसमें से बने प्रकृति से बन गए जैसे मान लो कोई एक मिट्टी का ढेर है विशाल ढेर है करोड़ टन मिट्टी का ढेर है उसी मिट्टी में से कुछ चीजें बना ली गई तो वो जो चीज बनी कुछ दिन पश्चात टूट फूट करके उसी मिट्टी के ढेर में मिल गई अब फिर उसी मिट्टी के ढेर में से फिर चीजें निकल गई मिट्टी का ढेर उतना कुतना ही रहेगा उसी में से चीजें बन रही है बिगड़ उसी उसी में, में बिगड़ करके मिल रही है फिर उसी में से बन रही है ऐसे ही प्रकृति में से ही शरीर खड़ा हो गया मिट करके फिर प्रकृति मिल गया फिर उसी से प्रकृति -से, से बन गया शरीर इस बात पुनर्जन्म तो प्रकृति से भी हो रहा है लेकिन केवल इतना ही नहीं है खाली प्रकृति से नहीं बन रहा है प्रकृति से शरीर नहीं बनता है जब तक जीव पथित ना हो तब तक जड़ तत्वों से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है जड़ अलग है और चेतन अलग है और चेतन अपने कर्म संस्कारवश प्रकृति के जो तत्व हैं उन के सहयोग से शरीर धारण करता है पुनर्जन्म में वो घूमता रहता है जैसे आज ये जीव शरीर में आ गया है ऐसे ही इस शरीर पश्चात भी किसी शरीर में जाएगा वो विनष्ट नहीं हो जाएगा स्वरूप ज्ञान होने की भूमिका स्वरूप ज्ञान क्यों नहीं होता है? किस कारण से जीव ज्ञान स्वरूप है शुद्ध बुद्ध है निर्मल है लेकिन ऐसा अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं शरीर से जड़ तत्वों के कार्य से प्रकृति के कार्यों से बिल्कुल अलग हूं ये ज्ञान क्यों नहीं होता और कैसे होगा इतना तो साफ है कि हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसी विषय का हमें ज्ञान होता है जो रात दिन वकालत की पढ़ाई कर रहा है उसे इंजीनियरिंग का ज्ञान कैसे हो सकता है वकालत का ज्ञान होगा और रात दिन पढ़ रहा उसी में डूबा हुआ तो एकदम वकालत में निष्णात हो जाएगा वो लेकिन इंजीनियरिंग के बारे में वो कुछ नहीं बता सकता उसे ज्ञान हो गया नहीं और जो रात दिन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहा है उसी में चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते और सब समय उसका मन इंजिन में ही डूबा हुआ है उसे ये पूछो कि किस रोग में कौन सा दवा प्रयोग होना चाहिए तो क्या बताएगा बेचारा डॉक्टर ज्ञाने नहीं होगा उसको हाँ इंजिन के विषय में पूछो तो बता देगा बड़ी बारीकी से विश्लेषण करेगा लेकिन डॉक्टर के बारे में उसे नहीं बता उसे कुछ पता नहीं होगा तो जो आदमी जिस विषय पढ़ाई की पढ़ाई करता है उसको उसी विषय का ज्ञान होगा कोई व्याकरण पढ़ रहा है अब व्याकरण पढ़ने और रात दिन व्याकरण के सूत्र को रट रहा है रट रहा है व्याकरण सूत्रों को रात दिन अब उसे इतिहास और भूगोल के बारे में पूछो जो रात दिन व्याकरण सूत्र रट रहा है उसे भौतिक शास्त्र फिजिक्स के बारे में पूछो तो क्या बताएगा वह ऐसे ही आप सब ले लें इसी प्रकार जिसका लक्ष्य केवल शरीर और इंद्री का भोग है उसे स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है उसे हट करके और कुछ सोचता ही नहीं है उसे स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा किसी भी विषय का ज्ञान पाने के लिए उस दिशा में परिश्रम और साथ साथ सा, श्रद्धा समर्पण की आवश्यकता होती है परिश्रम कर रहे हैं श्रद्धा भी <coughs> लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा विशेषज्ञता हासिल नहीं होगी लगातार परिश्रम करें डूब करके पूर्वक तो वो ज्ञान होगा अब पहले से निश्चय कर लिया कि जीव नाम का कोई तत्व है ही नहीं उसे तो जीव स्वरूप ज्ञान होगा कैसे ऐसे एक लेखक ने लिखा था एक पत्रिका में उनका लेख छपा था कि लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा है शरीर में आत्मा है जहां देखो वही सुनाई पड़ता है शरीर में आत्मा हाँ शरीर में आत्मा है शरीर अलग है आत्मा अलग है बहुत पढ़ा बहुत सुना तो एक दिन मेरे मन में हुआ कि लाओ तो जरा देखते हैं कि शरीर में आत्मा कहाँ है तो मैंने शुरू किया देखना पैर के अंगूठा और अंगूठियों से शुरू किया धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरा खोपड़ी तक आ गया कहीं आत्मा दिखाई नहीं पड़ा मुझे और, और लिखने वाला बहुत विद्वान लेखक था तो पूछा जाकर ठीक दिखाई तो नहीं पड़ा आप कौन थे जो आत्मा को खोज रहे थे शरीर ही खोज रहा था कि कोई दूसरा खोज रहा था अब क्या कर अब निश्चय उनको कि आत्मा है ही नहीं तो उसे दिखाई कैसे पड़ेगा तो अब उसके साथ साथ देह इंद्री का भोग यह उनके जीवन का लक्ष्य है उसी का अध्ययन करते हैं तो स्वरूप ज्ञान तो कभी हो ही नहीं सकता हाँ इसके विपरीत जो लोग सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं सत्संग करते हैं आध्यात्मिक चर्चा करते सुनते हैं संत पुरुषों संगुजनों की उपासना सेवा भक्ति करते हैं इंद्रिय भोगों से हट करके जो संयम साधना के पद पर चलते हैं चित्त शुद्ध करते हैं तब ये सारी जब क्रियाएं होगी तो स्वरूप तो ज्ञान होगा ना जैसे जमीन तो वही है पृथ्वी पर कहीं चले जाओ जमीन तो एक जैसी है लेकिन जमीन का मिट्टी पानी आग हवा सब तत्वों का तो खेल है ही जितनी जमीन है वो लेकिन इतना होते हुए भी हर जमीन में हर फसल उगाई नहीं जा सकती है कहीं भी गेहूं बो दो कहीं भी गन्ना बो दो कहीं भी अंगूर का पेड़ लगा दो कहीं भी ऐसा लगा दो ऐसा नहीं हो सकता है उचित योग्यता चाहिए कितने ऐसे देश हैं जहां कोई पेड़ नहीं है कितने ऐसे देश हैं जहां कोई फसल होती ही नहीं है अजमीन वही है तो उसके मतलब यह है कि वहां उचित योग्यता उचित भूमिका उसकी नहीं है और जैसे हर वस्तु में प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु को रगड़ करके साफ करना होता है ऐसे ही हर अंतकरण में स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है स्वरूप ज्ञान होने के लिए विवेक विचार संयम साधना स्वाध्याय सत्संग द्वारा अंतकरण को रगड़ करके जब उसके सारे मनोविकार कलमस को दूर किया जाएगा और तो उसे जब शुद्ध किया जाएगा निर्मल कर दिया जाएगा तब तो वह उसमें स्वरूप ज्ञान होगा अंतकरण है एकदम मलिन विकारों में डूबा हुआ तो उतने स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है साधारण साधारण विषय के लिए कितने कितने वर्षों तक पढ़ना पड़ता है एक एक विषय का ज्ञान करने डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियर बनने के लिए चपरासी यहाँ तक चपरासी बनने के लिए भी कलेक्टर कमिश्नर और वकील बनने के लिए कितने कितने साल तक पढ़ना पड़ता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है बीसों 25 साल तक पढ़ना पड़ता है वैज्ञानिक दे लोग देखें एक एक छोटी छोटी चीज की खोज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं रात दिन उसी में डूबे रहते हैं जबकि विज्ञान स्थूल है और जीव एकदम सूक्ष्म दृश्य नहीं किंतु तो दृष्टा है उसके लिए चाहते हैं कि तत्काल हो जाए आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान तत्काल हो जाए वैसा अध्ययन नहीं है वैसा समर्पण नहीं है वैसी बुद्धि नहीं है वैसी संगत नहीं है वो ढंग का अभ्यास नहीं है तो स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा साधारण साधारण विषय के लिए किसी गुरु के पास सीखना पड़ता है गुरु के पास जा करके सावधान होकर के भिन्नतापुत्र पर सीखना पड़ता है लेकिन स्वरूप ज्ञान के लिए समय ही नहीं है किसी के पास हम जाना ही नहीं चाहते खड़े खड़े ऐसे ही चाहते हैं कि ज्ञान हो जाए ऐसे नहीं हो सकता है उसके लिए पूर्वक खोज की आवश्यकता है समर्पण की आवश्यकता है हमारी जो चितवृत्ति है कभी वो बहिर्मुख कभी अंतर्मुख अंतर्मुख और बहरमुखी दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। किसी व्यक्ति में आए बहिर्मुखी वृत्ति अधिक होती है किसी में अंतर्मुखी होती व्यक्ति तो वही है लेकिन कोई अंतर्मुख होता है ज्यादा और कोई बहिर्मुख किसी में रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है किसी में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है किसी में सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है बहिर्मुख जो वृत्ति व्यक्ति है उसे संसार के कामों में ज्यादा लाभ दिखाई पड़ता है और उसमें वो दौड़ता रहता है अंतर्मुखी व्यक्ति को शांति में लाभ दिखाई पड़ता है इसलिए वो उसके लिए प्रयत्न करता है तो स्वरूप ज्ञान के लिए शतोगुण के और अंतर्मुखी प्रवृत्ति की आवश्यकता है और जहां आदमी को जब लाभ की निश्चयता होती है तो वैसे आदमी अपनी वृत्ति को बना भी लेता है स्वरूप ज्ञान में जब हो लाभ निश्चय होगा तो अंतर्मुखी वृत्ति बना लेगा फिर उसके लिए सेवा सत्संग स्वाध्याय साधना ये सब जो साधन है इसका अवलंब ले लेगा तो जब चित चित्त शुद्ध होगा अंतर्मुख होगा आध्यात्मिक अध्ययन मनन होगा श्रद्धा विनय पूर्वक समर्पण भावपूर्वक खोज की प्रवृत्ति होगी तब स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होगी इसके लिए इसके बिना नहीं हो सकता है सदगुरु विशाल साहेब ने इस पर काफी जोर दिया है उनकी एक साखी है जिसमें उन्होंने कहा है अंत स्थिर ज्वाला रहित अभय ने चिंता जब फिक्र रहित मन निरस जह शोध यथार्थ तब यथार्थ शोध स्वरूप ज्ञान कब होगा अंत स्थिर जब हमारा अंतकरण स्थिर हो शांत हो अब अंतकरण में विषयों की वासनाएं हलचल मचा रही है उद्वेग है अशांत है वृत्तियां कैसे होगा तो अंत स्थिर अंतकरण शांत हो विषयों की हलचल ना हो विषय चिंता ना।, ना हो ज्वाला रहित काम करो लोवाद की ज्वाला उसमें न हो निर्भयता हो पूर्ण निर्भयता अरे शरीर आ, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा रोगी हो जाएंगे सेवा कौन करेगा अकेले पड़ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा साधना बनेगी भी कि नहीं बनेगी तमाम चीजों को लेकर के भयभीत है मन भय से कांप रहा है और चिंता ग्रस्त है मृत्यु का भय बना हुआ है ऐसे तमाम चिंताएं हैं, फिक्र रहित मन निरस ज मन एकदम फिक्र संदेह रहित भ्रम रहित <coughs> किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो और विषयों से पूर्ण उदासीन निरस तो इतनी जब योग्यताएं होगी शोध यथारथ तब तब यथार्थ शोध होगा तब स्वरूप ज्ञान होगा ऐसे नहीं है तमाम हलचल मन कभी शांत होता ही नंदा करके भी शांत होता ही नहीं है काम क्रोध के लहर का लहर काम करोध ज्वालाएं उठ रही है बराबर प्रियोग भय, अप्रिय संयोग का भय, रोग का भय, बुढ़ापा का भय, मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय, निंदा का भय, शरीर निर्वाह के लिए चिंता रोग व्याधि की चिंता तमाम प्रकार के संदेह जी होता भी है कि नहीं भी होता है साधना बनती भी है कि नहीं भी बनती है और भोगों के प्रति लोलुपता इतने हम चाहते हैं स्वरूप ज्ञान हो जाए कैसे होगा एक भूमिका चाहिए उचित उपयोगिता उप योग्यता चाहिए तब हो गया ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है तो अंतकरण को शांत रखें कोई हलचल ना हो काम क्रोध की ज्वालाएं शांत हो जाए किसी प्रकार का कोई भय नहीं मौत का भी भय नहीं जब मौत तो जब होना तब होना है होगी होगी वो हो, मौत एक दिन आएगी आएगी चिंता हमारी चिंता करने थे तो सब काम नहीं बन जाएगा और तो इसलिए चिंता रहित हो और विषयों से पूर्ण अनाकर्षण पूर्ण निरप हो जाए मन जब ये सारी योग्यताएं होगी तब स्वरूप ज्ञान होगा पूर्व जन्मों के स्मरण न होने का कारण जीव ज्ञान स्वरूप है सब समय ज्ञाता रहता है तो लोग प्रश्न करते हैं कि जब जीव ज्ञान स्वरूप है अजर अमर अखंड है अविनाशी है तो इसे अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान क्यों नहीं होता है जैसे आज के चालीस पचास साल 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 पहले का ज्ञान सत्तर साल के आदमी को हो जाता है ऐसे पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता पहली बात तो यह है कि जीव के अपने स्वरूप में जगत का लेश भी नहीं है जगत जड़दृश्य जगत से जीव सर्वथा विलक्षण है केवल जगत का अध्यास मन में जमा हुआ है अध्यात्म भी अज्ञान के कारण है और जिसका जिस हमारा मूलता संबंध नहीं है उसका स्मरण न होना किंतु विस्मरण होना एक स्वाभाविक बात है आज जन्म की देह नहीं है जन्म के वातावरण नहीं है पूर्वजन्म की घटनाएं नहीं है पूर्वजन्म के जो प्राणी पदार्थ है उनका संबंध नहीं है तो स्मृति कैसे हो पहले बात ये सोचे कि स्मृति होती कैसे है किसी की याद कैसे बनती है वर्तमान की घटना नर नारियों को देख करके हम लोगों का जितना जीवन व्यतीत हुआ है बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन इस समय उन घटनाओं की स्मृति बिल्कुल ही नहीं है अचेतन मन में वो दबी है जब वैसा संयोग पड़ता वैसी चर्चा होती है वैसे लोग देखते हैं वैसी घटना देखते हैं वैसे बारे में पढ़ते सुनते हैं तब एकाएक पचास साल पहले की घटना याद हो जाती है अब ऐसी घटना न घटे बिल्कुल ढंग से चर्चा ना हो तो दो साल पहले की भी घटना याद नहीं हो पाती है तो स्मृति का कारण कैसे तो पूरे जन्म कि न तो शरीर है आज न तो प्राणी है न पदार्थ है न तो ऐसे लोग हैं ना ऐसी घटनाएं हैं ना वैसा वातावरण है तब स्मृति कैसे हो इस जन्म की स्मृति भी बताया कि अचानक मन में आती है वो ऐसी घटना देख सुन करके वैसी चर्चा देख करके सम विसम घटना, घटना भी होती है किसी विद्वान को हम देखे तत्कार होगा हाँ जैसे ये विद्वान है जैसे प्रचन्न कर रहे हैं आज से दस साल पहले एक विद्वान का मैंने प्रोचन वो भी ऐसे प्रसन्न करता था उसको क्योंकि देखा भी तो वैसे विद्वान की, की याद हो गई जबकि उस सहज उसकी याद नहीं थी कभी ऐसे भी हो जाती है कि विषम विषम भी याद भी हो जाती है कोई अत्यंत मूढ़ को देखे अत्यंत दुराचारी दुर्गुणी आदमी को तो उसको देख करके वैसे दुर्गुनी दुराचारी आदमी तो याद होती ही है अब देखो ये आदमी कैसा दुष्ट है कैसा दुराचारी है और फलाने को देखो कितना सज्जन दुराचारी देखा सज्जन के भी याद आ जाती है ऐसा नहीं कि दुराचारी को देख करके दुराचारी की याद आती है और सज्जन को देख कर सज्जन की ही याद आती है दुराचारी को देख करके सज्जन की भी याद आ जाती है सज्जन को देख करके दुराचारी की भी याद हो जाती है तो घट लेकिन घटना को देखते तब ना है इतना अचानक थोड़े होते कोई ना कोई कारण होता है तो जन्म के दे घटनाएं सामने ना होने से उसका संस्कार नहीं उठता है तभी स्मृति कैसे हो संस्कार स्मरणों को उत्तेजित करते हैं संस्कार ही स्मरण उठाने में कारण बनते हैं जैसे हम कोई दो मित्र हैं उन दोनों मित्रों को बराबर साथ साथ देखते थे दोनों कभी जाते थे दोनों साथ साथ देखते थे उनमें से एक बार एक को ही देखा दूसरा नहीं है तो उस एक को देखा दूसरे उसके दूसरे मित्र याद हो जा रही है तो दोनों साथ साथ रहते आज इनके साथ अमुक क्यों नहीं है तो इसे संस्कार से ही होता है इसी को कहते हैं सहचारी संस्कार समान धर्मी संस्कार इसकी विपरीत को देखते उसको कहते हैं विषम धर्मी संस्कार लेकिन कोई घटना चाहिए छोटी घटना लेकर बड़ी घटना भी याद याद होती है हम रास्ते में जा रहे थे देखें साइकिल से साइकिल की भिड़ंत तो हो गई या साइकिल किसी आदमी से टकरा गई तो, तो, तो देखो जैसे साइकिल से टकराई है ना ऐसी फ्री जगह ये ट्रक से ट्रक भिड़ गई थी यहाँ तो देख रहे हैं साइकिल लेकिन याद क्या हो गया ट्रक देख के नहीं याद हो गई हमको ट्रक लड़ने की अभी हमने देखा कि साइकिल किसी आदमी में से जाकर टकरा गई तो तो हो गया ऐसे ही चार साल पहले वो जगह एक आदमी ट्रक में दब गया था ऐसे याद हो गया लेकिन कोई घटना तो घटी है ना पहले वो घटना पहले वो याद नहीं थी तो कोई घटना चाहिए आधार संस्कार उठने के लिए कोई आधार चाहिए तब वर्तमान का ये होता है अब होता है कि नहीं कि ये भी होता है कि पूरी की पूरी घटना याद पूरी की पूरी घटना याद कहाँ रहती है हम बचपन में क्या क्या किए क्या क्या कैसे कैसे खेल खेलते थे क्या कहाँ गए थे क्या खाए थे क्या पता है बहुत से लोग हैं हम ही लोगों से कोई पूछ दे कि जब पढ़ने गए थे तो पहली क्लास में तुम्हारे कितने बच्चे पढ़ते थे और कौन कौन बच्चे पढ़ते थे क्या क्या नाम है बता पाएंगे पूरा का पूरा तो कोई ये कह सकता है कि पहली क्लास में तुम पढ़ने गए ही नहीं हो झूठ बोलते हो पूरा के पूरा बताओ तब तो मैं पढूंगा। अब पहले दिन गए थे तो अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया था और दिन तुम जब थे, तो क्या खाकर गए थे रोटी खाकर गए थे बासी खाकर गए थे खाकर खा तो कोई गए थे कुछ ना कोई क्या बताएंगे खाए तो थे आज से एक महीना पहले इसी समय हम क्या सोच रहे थे क्या बताएंगे आज उनतीस तीस नवंबर है तीस अक्टूबर को बीजक के साखी प्रकरण के कौन से साखी चर्चा हो ची थी बता पाओगे बताओ बिना देखे तो क्या उदिन नहीं थे क्या आप लोग कि मही नहीं था मुझे पूछो बताओ तीस अक्टूबर को पढ़ा तो मैं भी नहीं बता तो दिन नहीं था क्या मैं था तो लेकिन क्यों नहीं बता पा रहा तो सारे सारे स्मरण उड़ते नहीं हैं सब सारी घटनाओं की याद नहीं रहती है बचपन की घटनाएं की याद कहाँ है आज से दो साल पहले एक साल पहले एक महीना पहले एक सप्ताह पहले और क्या कल शाम को हम स्वयं क्या सोच रहे थे ये भी बताना मुश्किल है सोते थे कुछ थे कुछ मोटी बात लेकिन सा, कल शाम को हम क्या क्या सोच रहे थे पूरा पूरा हमें याद नहीं है तो ये हम नहीं कह सकते कि कल हम नहीं थे या परसों नहीं थे सप्ताह भर पहले नहीं थे थे लेकिन ये स्मरण नहीं होता है तो ऐसे ही जब इस जन्म की अधिकतम बातें याद नहीं हैं, तो पूरे जन्म की, की बातें याद कैसे हो सकती है दबे हैं उस रूप में हाँ ऐसे हम सुनते हैं लोगों से अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि अमुक बच्चा को अपने पूरे जन्म की याद हो गई वो बताता था कि मैं अमुक था अमुक था मेरे अमुख घटना घटी है लेकिन ऐसा हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष घटना अभी आई नहीं हो भी सकता है और ये भी हो सकता है ऐसे प्रसिद्धि पाने के लिए हो जाता है अब इसमें यह भी देखते हैं हम कि जो बच्चा है छोटा बच्चा है तीन साल चार साल पाँच साल आठ साल दस साल का वो बताता है मैं इसके पहले अमुक था अमुक मेरे माता पिता अमुक मेरा गांव गांव अमुक जगह मेरा घर है अमुक ऐसा है अमुक अमुक आंस मेरी मौत हो गई लेकिन यह भी होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्ञान बढ़ता है बुद्धि बढ़ती है स्मरण शक्ति बढ़ती है तो जो बच्चा आते जो बच्चा चार साल पाँच साल आठ साल कुंवर में बताता था पूरे जन्म की बात जो जो बड़ा हो जाता है वो सब बात भूलती क्यों चली जाती है उसको लेकिन आगे जाकर बता नहीं पाता है अब ऐसी घटनाएँ यदि घटती है कि ऐसा कोई बताता तो तो हमारे पुनर्जन्म सिद्धांत की पुष्टि होती है ऐसी घटनाएँ केवल प्रचार के लिए है तो भी हमारे सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता सिद्धांत तो सिद्धांत है पौराणिक कथाओं में तो तमाम बातें आती है कोई अमुक ने गुरु ने अमुक शिष्य को इतने जन्म की याद करवा दिया तो उन्होंने इतने जन्म की याद करवा दिया वो तो कहानियां हैं जातक कथाओं में तथा तो बुद्ध के पांच जन्मों की चर्चा है अब उनको हो गया नहीं हुआ कौन बता सकता है ये इसी जन्म की बात बताना मुश्किल है पांच सौ सैतालीस जन्म की याद क्या हो गया इतना क्या वो तो ऐसा होता है हजार जन्म पहले में क्या था इसके याद हो जाते लोगों को एक कहानी है अब इसमें इसके पीछे एक चमत्कार है लेकिन इन कहानियों से ये प्रेरणा मिलती है कि, कि कैसे आ, क्या काम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और, और कि, किसी न किसी प्रकार से कोई उपदेश रहता है लेकिन ये तो है कि जीव अचानक कहाँ से आ गया यदि नहीं था तो शरीर नहीं बना तो अचानक शरीर में कैसे आ गया था तो ना तभी तो आया जीव यदि जी जी परे शरीर में नहीं था तो मुक्त था तो कहाँ था फिर मुक्त होकर के कैसे आया था तभी तो आया तो जन्म के स्मरण के कारण स्मरण न होने का कारण न तो जन्म का शरीर न वो वातावरण न वैसे प्राणी पदार्थ न वैसी घटनाएं ये सब नहीं है इसलिए उन सब की याद नहीं होती है समान धर्मी घटना हो विषम धर्मी घटना हो सहचारी घटना हो तब उनकी याद होती है इतना साफ है कि जीव दर तत्वों से सर्वथा अलग है अलग और अलग की वस्तु का स्मरण न होना स्वाभाविक बात है विस्मरण होना भी स्वाभाविक है संसार का स्मरण का आधार क्या है शरीर और शरीर साथ मन और दोनों बदलने वाले हैं शरीर भी बदल रहा है मन भी बदल रहा है तब सारी घटनाओं की याद कैसे हो सकती है इस प्रसंग में मुक्ति द्वार का बंधमोक्ष शतक पढ़ने लायक है साहेब ने इस पर वहां से और अधिक विस्तार से प्रकाश डाला है